सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्को डीके में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलायंस पावर के बारे में, जिसे आप आर पावर के नाम से भी जानते हो। आप देखोगे काफ़ी टाइम से स्टॉक के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ से स्टॉक के अंदर फिर से तेज़ी बनी है, 16 रुपये के आसपास से आप देखोगे 16 रुपये 5 पैसे से स्टॉक के अंदर फिर से तेज़ी बनी, और ऊपर में आप देखोगे 16 रुपये 40 पैसे पर हमें जो है इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यहाँ से मेन बात आती है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 20 रुपये से ऊपर में स्टॉक को परचेज करके रखा है। आप देखोगे 5 रुपीज़ का बाउंड भी खाए है, वहां तक स्टॉक क्यों गया ये भी आपको पता होगा भाई। पीछे ऑपरेटर गेम चला था खतरनाक स्टॉक के अंदर, और यहां पर जो वॉल्यूम लगी है एनएससी प्लस बीएससी कल, तो यहां पर आप देखोगे अप्रोक्सीमेट 64 लाख के आसपास हमें जो ना ये वॉल्यूम देखने को मिल रही है। तो यहां से सभी इन्वेस्टर्स का एक ही ख्याल है, एक ही सवाल है सभी के सभी का कि स्टॉक कब हमें 20 से ऊपर जाते हुए नजर आने वाला है, आखिरकार स्टॉक के अंदर फिर से तेजी कब बनेगी। तो हम जो है इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। Q2 रिजल्ट्स भी आपको पता होंगे भाई इसके आने वाले हैं, तो Q2 रिजल्ट्स भी इसके जो ना अच्छे आने की संभावना है अब की बार। बट प्रीवियस रिजल्टों से अगर हम कंपेयर करके देखें तो प्रीवियस रिजल्ट्स इसके काफ़ी ज़्यादा खराब आए थे, ठीक है। तो प्रीवियस रिजल्ट्स यहाँ पर आप देखोगे जो 52 वीक हाई है 25 रुपये है, और 52 वीक लो आप देखोगे 11 रुपये। 52 वीक हाई से स्टॉक हाल फिलहाल में आप देखोगे यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 34% टूटे हुए नजर आ रहा है अपने 52 वीक हाई से, ठीक है। तो चलिए अब हम जो ना देखते हैं डिटेल में कि आखिरकार स्टॉक के कैसे फंडामेंटल्स हैं, क्या स्टॉक वहाँ तक जा पाएगा या फिर नहीं जा पाएगा, कोई लेटेस्ट अपडेट आई है या फिर नहीं आई है। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक के अंदर जो तेज़ी बनी थी ना, वो यहाँ पर लगने वाली वॉल्यूम्स थी, ऑपरेटर गेम था स्टॉक के अंदर चला, ठीक है। आपको पता होगा पीछे ऑपरेटर गेम चला था स्टॉक के अंदर, जिसकी वजह स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी। और रिजल्टों की अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट्स आप देखोगे कुछ खास नहीं आ रहे हैं, कंपनी जो है लॉस मेकिंग है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लॉस होता रहता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें जो है लॉस ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं भाई इसके अंदर कोई ऑपरेटर गेम तो नहीं चल रहा। यहाँ पर मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे 3 अक्टूबर को हमें जो है इसके अंदर ये बल्क डील होती हुई नजर आई, बाय सेलिंग बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में। और उससे पहले आप देखोगे कोई लेटेस्ट अपडेट इसकी हम देख लेते हैं, कोई आई हो तो 1 तारीख को आई हुई है, वही देखो कुछ खास नहीं है इसके अंदर। और इसकी जो ना आप देखोगे ट्रेडिंग विंडो भी क्लोज हो चुकी है मे बी। तो यहाँ से अब जो ना कंपनी आपको Q2 के रिजल्ट दिखाने वाली है। अब आपको जो ना Q2 के रिजल्ट हमें अक्टूबर और नवंबर में देखने को मिलने वाले हैं, तो मे बी अक्टूबर के अंदर जो ना इसके Q2 रिजल्ट आ जाएंगे अक्टूबर एंड तक। तो Q2 के बाद ही स्टॉक के अंदर अच्छी तेजी बनने की संभावना हो सकती है। जैसे पीछे आपने देखा होगा Q4 के रिजल्ट्स आए थे, ठीक है, तो सॉरी Q1 के रिजल्ट्स आए थे, तो Q1 के बाद स्टॉक के अंदर तेजी बनी थी, तो उसी प्रकार फिर से स्टॉक के अंदर तेजी बन सकती है Q2 के बाद। तो चलिए अब हम जो इसके फंडामेंटल्स वगैरह देख लेते हैं, फंडामेंटल कैसे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी का जो बिजनेस है, मेन बिजनेस आप देखो पावर जनरेशन का है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसके बिजनेस मॉडल पर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आपका आप जो ना एक बार मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, तो इसके बिजनेस मॉडल पर भी मैं जो ना कंप्लीट वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ तो 5576 करोड़ की है, जबकि इसके ऊपर जो डेट है ना बहुत ज़्यादा हाई हमें देखने को मिल रहा है, 23114 करोड़ का बहुत ज़्यादा हाई डेट है। 1.88 की हमें जो ना इसकी डेट टू इक्विटी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई मानी जाती है। तो डेट बहुत ज़्यादा हाई है कंपनी के ऊपर। अगर बात करें एनुअल प्रॉफिट की तो यहाँ पर आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। फ्री कैश फ्लो आपको 3417 करोड़ देखने को मिल रहा है, जिससे कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर सकती है, अपने आप बिजनेस को जो है एक्सपेंड कर सकती है। इन्वेस्टमेंट आप देखोगे कंपनी की जो है 36 करोड़ 80 लाख की है। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई इसके ऊपर जो डेट है ना बहुत ज़्यादा हाई है, बट कंपनी धीरे धीरे अपना जो डेट है ना वो पे कर रही है। यहाँ पर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है 25% की, पब्लिक के पास आप देखोगे 63.7% होल्डिंग है, और वहीं अगर मैं बात करूँ FII के पास तो आप देखोगे अप्रोक्सीमेट 8% के आसपास FII के पास स्टेक है, और DII के पास आप देखोगे 3.5% स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका कुल मिलाकर ठीक है। अगर बात करें इसके EPS की तो यहाँ पर आप देखोगे EPS हमें देखने को मिल रहा है माइनस में, क्योंकि आप देखो भाई एनुअल प्रॉफिट आपको जो ना माइनस में देखने को मिल रहा है। और शेयर प्राइस आप देखोगे 16 रुपये हैं, और बुक वैल्यू आप देखो 36 रुपये। स्टॉक अपने बुक वैल्यू से डाउन ट्रेड कर रही है, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे माइनस की 4% के आसपास है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखोगे 5%। तो ये दोनों के दोनों आप देखोगे नेगेटिव हमें देखने को मिल रही है, यानी यहाँ से थोड़े संकेत हमें अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो फंडामेंटल स्टॉक कुछ खास नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा हाई डेट वाली कंपनी है। हाँ शेयर होल्ड आप देखोगे भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, इसके अंदर आप देखोगे जो इसका जो प्राइस है वो बुक वैल्यू से डाउन है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से एज ए लॉन्ग टर्म बेस पर हम सोचें तो देखो भाई ऑलरेडी अनिल अंबानी जी की जो 2 कंपनियाँ हैं वो आप देखो डिलीट होने के कगार पर पहुँची हुई है। रिलायंस कैपिटल आप देखोगे और आर कम्युनिकेशन आप देखोगे, वजह क्या थी, हाई डेट,
ठीक है, हाई डेट की वजह से उनके ऊपर भी आज देखोगे आप जो ना क्या हाल हो रखा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप देखो बहुत ज़्यादा हाई डेट है। यहाँ पर आप देखो जो वॉल्यूम लगी थी ना स्टॉक के अंदर तभी इतनी तेज़ी बनी, लेकिन अब आप देखोगे वहाँ से टूट रहे हैं। लेकिन ये गिरावट कहाँ पर आकर हमें रुकते हुए नजर आएगी वो आपको देखो भाई क्वार्टर टू के बाद पता चलेगा। क्वार्टर टू के बाद में इसके अंदर कुछ धमाका हो सकता है, तो आपको जो ना क्वार्टर टू का वेट करके चलना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, जो ये शेयर है ना जल्दी 20 रुपये को ब्रेक करने वाला है, बट थोड़ा टाइम लगेगा भाई। आप जो ना 1-2 महीने का टाइम दो स्टॉक को, ये जो ना जल्दी हमें 20 रुपये को ब्रेक करते हुए नजर आने वाला है। अब आप देखोगे भाई आने वाला टाइम ही आप देखोगे इन स्टॉकों का है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमें अच्छी तेजी बनते हुए नजर आने वाली है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।